द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहता है तुर्की। तुर्की को मिल रहा पाकिस्तान का समर्थन, अरबों डॉलर का कर्ज देने वाले सऊदी से पाक की बगावत। तुर्की और पाकिस्तान बने एक दूसरे के साथी। मुस्लिम जगत का खलीफा बनना चाहता है तुर्की। तुर्की दे रहा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ। तुर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का नेता क्यों बनाना चाहता है पाक। क्यों पाकिस्तान ने की सऊदी से बगावत। आखिर क्या है पाकिस्तान के इरादे। पाकिस्तान को शायद ही कभी अपने किसी मित्र देश की सार्वजनिक तौर पर आलोचना करते हुए देखा गया होगा। हालांकि इसी सप्ताह जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को खुले आम निशाने पर लिया तो हर कोई हैरान रह गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर सऊदी की अगुवाई वाले इस्लामिक सहयोग संगठन की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े किए और इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व को लेकर उसे सीधी चुनौती भी दे डाली। कुरैशी ने अपने इस बयान से पाकिस्तान की विदेश नीति में बड़े बदलाव के संकेत भी दिए हैं। कुरैशी ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था, अगर इस्लामिक सहयोग संगठन कश्मीर मुद्दे पर विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक नहीं बुलाता है तो फिर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ खड़े मुस्लिम देशों के साथ बैठक बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। सऊदी अरब के कहने पर ही पाकिस्तान दिसंबर की कुआलालपुर समिट में शामिल नहीं हुआ था और अब सऊदी से उम्मीद की जाती है कि वो कश्मीर मुद्दे पर आगे बढ़कर नेतृत्व करे। मैं सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंधों के बावजूद अलग रुख अख्तियार कर रहा हूं क्योंकि हम कश्मीरियों की प्रताड़ना पर और खामोश नहीं रह सकते। कुरैशी ने यह भी कहा कि वो भावुक होकर ऐसा नहीं कह रहे हैं बल्कि वो अपने बयान के मायने को अच्छी तरह से समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी के वर्चस्व वाले ओआईसी की बैठक बुलाने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान ये भी आरोप लगाता रहा है कि सऊदी समेत कई मुस्लिम देश भारत के साथ अपने आर्थिक हितों की वजह से चुप हैं। कश्मीर मुद्दे पर सऊदी की चुप्पी। सऊदी और यूएई भारत के साथ, पाकिस्तान और सऊदी की दोस्ती में पड़ रही दरार। सऊदी ने पाकिस्तान से कर्ज वापस करने को कहा। कुरैशी का सऊदी की आलोचना वाला ये बयान हैरान करने वाला सिर्फ इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी दोनों देशों के बीच दशकों पुराने आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध हैं। साल 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद करते हुए $3 अरब कर्ज दिए थे। वहीं रिश्तों को बिगड़ता देख सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए भी कहा था, जिसके बाद पाकिस्तान ने चीन से $1 अरब का कर्ज लेकर सऊदी को वापस कर दिया है। लेकिन अब सऊदी अरब $1 अरब की और मांग कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के रिश्ते सऊदी से खराब तो हो रहे हैं, साथ ही आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। आपको बता दें कश्मीर मुद्दे पर यूएई और सऊदी अरब भारत के साथ हैं, तो वहीं तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान और ईरान ने भारत के खिलाफ बयान जारी किए हैं। मुस्लिम देशों में इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने की होड़। कई गुटों में बटे हुए हैं मुस्लिम देश। किस गुट में शामिल होगा पाकिस्तान। मुस्लिम देश कई धड़ों में बटे हुए हैं। खाड़ी के अरब देश और मिस्र अमेरिका के गुट में शामिल हैं। वहीं कतर और तुर्की अपने ही बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, जबकि ईरान, सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह अलग गुट बनाए हुए हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान इनमें से किसी गुट में शामिल होना चाहता है या फिर वो अपने जैसी सोच वाले देशों के साथ एक अलग गुट खड़ा करना चाहता है, खासकर ऐसे देश जो भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहता है तुर्की। तुर्की को मिल रहा पाकिस्तान का समर्थन, अरबों डॉलर का कर्ज देने वाले सऊदी से पाक की बगावत। तुर्की ने हाल ही में एक म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर साफ संदेश दिया कि अब यूरोप की तरफ नहीं बल्कि इस्लामाबाद की तरफ वो आगे बढ़ना चाहता है और तुर्की की इस कोशिश में पाकिस्तान भी उसे भरपूर समर्थन दे रहा है। इसके लिए वो सऊदी से भी बगावत करने के लिए तैयार है, जिसने उसे अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है। तुर्की और पाकिस्तान बने एक दूसरे के साथी।
मुस्लिम जगत का खलीफा बनना चाहता है तुर्की। तुर्की दे रहा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद तुर्की और पाकिस्तान अपने मतलब के अनुसार एक दूसरे के साथी बन गए हैं। पाकिस्तान भारत में गड़बड़ियां फैलाकर इसके टुकड़े करना चाहता है, तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन सऊदी अरब को किनारे कर खुद मुस्लिम जगत के खलीफा बनना चाहते हैं। दोनों ने इन चाहतों को पूरा करने के लिए आपस में हाथ मिला लिए हैं। तुर्की के अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ तो संबंध खराब हुए हैं, लेकिन रूस से नजदीकियां भी बढ़ी हैं। फिलहाल तुर्की का सपना है इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करना, और इसके लिए पाकिस्तान भी उसका पूरा साथ दे रहा है। बदले में तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।